देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस का संक्रमण अब बढ़ने लगा है। देश में कोरोना काल को शायद ही कोई भूल पाया होगा, जब किसी ने अपने को खोया हुआ पाया होगा। अब कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकारों की नाक में दम करने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। पिछले एक महीने में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। जनवरी फरवरी में कोरोना के केस काबू में थे, लेकिन मार्च जाते जाते कोरोना ने काफी तेज रफ्तार पकड़ ली। हालात ये हैं कि 7 महीने बाद कोरोना के डेली केस 6000 के पार पहुंच गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा कोरोना के ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट XBB.1.16 के संक्रमण पाए जा रहे हैं, जिसके बाद केंद्र और राज्य की सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की और राज्यों से मॉक ड्रिल कराए जाने के निर्देश भी दिए। वहीं राज्यों को टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान रखने और साथ ही साथ कोविड टीकाकरण पर जोर दिया गया, जिसके बाद देश भर में कोरोना को लेकर अस्पतालों में मॉक ड्रिल हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं और यहाँ पर देखिए मॉक ड्रिल करके जो है एक तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर अगर दिल्ली में कोविड के पेशेंट बढ़ते हैं तो कैसे दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली के अंदर पिछले 24 घंटे में 484 नए मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और यहाँ पर पूरा मॉक ड्रिल करके दिखाया गया है कि कैसे दिल्ली के अंदर अगर कोविड के पेशेंट और ज़्यादा बढ़ते हैं मरीज तो उनको कैसे टैकल किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों की बात करें या फिर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, वहाँ पर कोरोना को लेकर तमाम जो एहतियातन कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। और सीधे तौर पर बात करें तो केंद्र सरकार भी जो है अलग अलग अस्पतालों में पूरे देश में मॉक ड्रिल कर रही है। दिल्ली के भी तमाम अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल की जा रही है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बड़ी जो LED स्क्रीन है वहाँ पर दर्शाया जाता है कि आखिर कितने बेड हैं और कितने अभी अवेलेबल हैं। टोटल तौर पर बात करें तो दिल्ली के अंदर 484 नए मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं, लेकिन सबसे खतरे की बात है कि संक्रमण दर जो है वो 26% के आसपास पहुंच गई हैं। वहीं अगर हम दिल्ली के अंदर एक्टिव केसेस की बात करें तो 2500 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है। तो सीधे तौर पर बात करें तो देश के अंदर कोविड की तीसरी लहर को जो आशंकाएं जताई जा रही थी तीसरी लहर को लेकर, वो अब आने के संकेत दे रहे हैं। जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, LNJP अस्पताल की तस्वीरें हैं कि यहाँ पर जो पेशेंट की संख्या है वो लगातार बढ़ती जाती है और यही वजह है कि यहाँ पर ये जो मॉक ड्रिल करके डॉक्टर्स ने दिखाया है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो दिल्ली सरकार कितनी तैयार हो, दिल्ली के अस्पताल आखिर कितने तैयार हैं। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA का कहना है कि वैक्सीन की तीनों डोज लगवाने के बाद लोगों में एक आम भ्रम सा पैदा हो गया है कि वो कोविड के संक्रमण से हमेशा बचे रहेंगे। यही कारण है कि लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सार्वजनिक स्थलों पर अनावश्यक रूप से जाने से खुद को रोक रहे हैं। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण साफ नजर आ रहे होते हैं वो भी अपनी जाँच नहीं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण फैलने लगा है। IMA का कहना है कि बेशक वैक्सीन लगने की वजह से संक्रमण घातक नहीं है, लेकिन लोग अब इसको हल्के तौर पर लेने लग गए हैं, जिसके कारण ना वो जांच करा रहे हैं और ना ही बचाव के उपाय भी अपना रहे हैं। नतीजा ये है कि कोरोना का नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है और अब हर रोज देश भर में 6000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर पर काफी जोर दिया। हेल्थ सेक्टर से जुड़ी कई बड़ी योजनाएं सरकार के सामने रखी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे और ICMR में पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही हेल्थ सेक्टर के लिए बजट में करीब 13% की बढ़ोतरी की गई थी। पिछले साल के मुकाबले बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई ये भी अब आप देखिए। केंद्रीय बजट 2023-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 89,155 करोड़ रुपए दिए गए। 2022-23 में आवंटित की गई राशि की तुलना में लगभग 13% ज्यादा है। वहीं आयुष मंत्रालय के लिए बजट बढ़ाकर 2,845.75 से 3,647.50 करोड़ है। 2,980 करोड़ रुपए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को आवंटित किए गए।
हेल्थ सेक्टर में बजट में भले ही बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन ये बढ़ोतरी भी इतने बड़े देश के लिए काफी नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आइए आपको दिखाते हैं आंकड़ों के जरिए कि आखिर स्वास्थ्य खर्च के मामले में अभी भी कितना पीछे है भारत। स्वास्थ्य खर्च के मामले में अमेरिका अपने कुल सालाना बजट का 18.3% खर्च करता है, ब्रिटेन 9.2, चीन 7.1, रूस 5.1, वहीं भारत फिलहाल अपने कुल बजट में से 2.1% खर्चा स्वास्थ्य सेवाओं पर करता है। वहीं भारत में आजादी के बाद हेल्थ इंफ्रा पर कितना बदलाव हुआ, ये भी अब आप जानिए। 1951 में जहां भारत में 30 मेडिकल कॉलेज थे, वो बढ़कर 2022 में 612 हो गए हैं। सरकारी अस्पतालों की बात करें तो 1951 में 2014 से जो बढ़कर 2022 में 41,245 हो गए। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1951 में जहां देश में 59,000 डॉक्टर थे, जो अब बढ़कर 13,01,319 हो गए। बात कितनी आबादी पर एक डॉक्टर की करें तो 1951 में 63,000 लोगों पर एक डॉक्टर था, 2022 में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। स्थिति नियंत्रण में, फिर भी सावधानी जरूरी। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद सरकारें अलर्ट हो चुकी हैं। वही जो वैक्सीन लोगों को अभी तक लगी है और जो बूस्टर डोज दिए जा चुके हैं, उनसे लोगों में एंटीबॉडीज पैदा हो गई है, जिसकी वजह से संक्रमण में अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आ रही है। भारत की आबादी के हिसाब से कोरोना के ताजा मामलों को देखा जाए तो स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी लोगों को सावधानी तो रखनी ही चाहिए। माफिया अतीक अहमद को यूपी पुलिस साबरमती जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लेकर आ रही है। अतीक अहमद को इस बार काफी सुरक्षा व्यवस्था के चलते लाया जा रहा है। कानून के शिकंजे में फंसे माफिया अतीक अहमद पर देखें हमारी खास रिपोर्ट। माफिया अतीक साबरमती टू प्रयागराज। साबरमती से चली वैन, अतीक का उड़ा चैन, फिर वही डगर, अतीक में वही दहशत। माफिया अतीक अहमद की बढ़ेंगी मुश्किलें। उमेश पाल मर्डर केस में प्रयागराज में पेशी। माफिया अतीक की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। प्रयागराज के उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा होने के बाद माफिया अतीक को गुजरात की साबरमती जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया था, मगर एक बार फिर से अतीक अहमद को साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा है। इस बार अतीक को उमेश पाल हत्या मामले में प्रयागराज लाया जा रहा है। हाल ही में उमेश पाल का उसके घर के पास ही गोली मारकर मर्डर कर दिया गया था। इसी मामले में अतीक पर शिकंजा कसा जा रहा है। यूपी पुलिस सुरक्षा के तमाम इंतजाम के बीच अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लेकर आ रही है। जहां उमेश पाल के हत्या से जुड़े मामले में उसे प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वारंट भी किसी भी जेल में बंद आरोपी के लिए जारी होता है। किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब कोर्ट को बताता है कि हम इस व्यक्ति को आरोपी बना रहे हैं, तब कोर्ट वारंट भी जारी करती है। वारंट भी मिलने के बाद संबंधित आपराधिक मामले में जांच कर रही पुलिस
मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में अपराधी कोई भी हो बच नहीं पाएंगे। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय है, जो भी आदेश है, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अब अपराधी बचने नहीं पाएंगे। हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए काम, हमारी पुलिस अभियोजन पक्ष दोनों कड़ी पैरवी कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग सरकार स्वयं करती है। एक एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है। मिट्टी में मिला देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।